Good evening, students. So in the previous class we had studied about multiple sclerosis, what is multiple sclerosis, its causes, signs and symptoms, management, everything we had studied regarding multiple sclerosis. हम लोगों ने पिछले क्लास में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा था, जो डीजेनरेटिव डिजीज के बारे में स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें फर्स्ट डीजेनरेटिव डिजीज हो गया. मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ाया मैंने आप लोगों को. तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पूरा मतलब डेफिनेशन से लेके मैनेजमेंट तक हम लोगों ने पूरा पढ़ाई किया था लास्ट टाइम में. आप लोगों ने उसका वीडियो देखा होगा, नोट्स भी देखा होगा. तो हम लोग अब दूसरा टॉपिक से क्लास शुरू करते हैं. तो दूसरा डीजेनरेटिव डिजीज़ जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है मायस्थीनिया ग्रेविस. सो वील स्टार्ट विद द क्लास. सो वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स डिजीजेस, सो इट इज मायस्थीनिया ग्रेविस. तो व्हाट इज मायस्थीनिया ग्रेविस, ये मायस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है? तो मायस्थीनिया ग्रेविस इट मीन्स यूजुअली ग्रेव मसल वीकनेस. ओके, इट इज यूजुअली ग्रेव मसल वीकनेस और इट इज वीकनेस ऑफ द वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ द बॉडी. ओके, इट इज वीकनेस ऑफ द वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ द बॉडी. सो इट इज मायस्थीनिया ग्रेविस. सो टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट मायस्थीनिया ग्रेविस. सो व्हाट इज मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस इज नथिंग बट इट इज ग्रेव मसल वीकनेस और इट इज वॉलंटरी एंड इट इज वीकनेस ऑफ वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ द बॉडी. तो मायस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है? मायस्थीनिया ग्रेविस वो होता है जहाँ पे वो मतलब वो ग्रेव मसल वीकनेस होता है, नहीं तो ये वीकनेस इसमें दिखाई देगा वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ द बॉडी में. ओके, स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ द बॉडी. सो मायस्थीनिया ग्रेविस इट इज़ द ग्रेव मसल वीकनेस और वीकनेस ऑफ वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ द बॉडी. तो ये ग्रेव मायस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है, ये ग्रेव मसल वीकनेस हो सकता है या ये वीकनेस मतलब वॉलंटरी और स्ट्राइटेड मसल्स होता है ना बॉडी में, उसमें भी वीकनेस दिखाई देगा. सो ये मायस्थीनिया ग्रेविस, दिस इज यूजुअली अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ओके, इट इज यूजुअली क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द न्यूरो ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस. ओके, सो मायस्थीनिया ग्रेविस इट इज क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ओके, इट इज क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस इन द वॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. ओके, इन द वॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. तो मायस्थीनिया ग्रेविस इट इज ऑल्सो लाइक इट इज यूजली अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच यूजली अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सिस ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. तो ये एक और डेफिनेशन इसका हो सकता है, जैसे कि ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो मायस्थीनिया ग्रेविस है वो एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो किसको इफेक्ट करता है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस. ओके, किसको इफेक्ट कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, कौन से मसल्स का, वॉलेंटरी मसल्स का. कौन से मसल्स में ये कॉज हो रहा है, वॉलेंटरी मसल्स में इफेक्ट हो रहा है, वॉलेंटरी मसल्स में इफेक्ट हो रहा है. सो दैट इज यूजुअली, सो फर्स्ट इज पहला वाला क्या होता है, मायस्थीनिया ग्रेविस उसको होता है जहाँ पे ग्रेव मसल वीकनेस बोल सकते हैं या उसको वीकनेस ऑफ वॉलेंटरी और स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ द बॉडी होगा वो. और दूसरा मायस्थीनिया ग्रेविस में ये होता क्या है, ये ऑटो इम्यून, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो इफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. तो ये जो होता है मायस्थीनिया ग्रेविस जब होता है ना, उसको ना फटीग कंटिन्यूसली होगा उसको, और उसका ना वीकनेस ज़्यादा दिखाई देगा. किसमें, मतलब जो भी पार्टों के, जो भी मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, जो भी मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं उस जगह पे फटीग और वीकनेस होगा उनको, उस जगह पे फटीग और वीकनेस होगा. सो दैट इज कैरेक्टराइज बाई वीकनेस एंड फटीग ऑफ एनी ऑफ द मसल्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. ओके, सो इट इज कैरेक्टराइज बाई फटीग एंड वीकनेस ऑफ fatigue and weakness of the muscles which is under voluntary control. So that is usually what happen. So myasthenia gravis it is usually means grave muscle weakness or weakness of the voluntary and striated muscles of the body. So myasthenia gravis it is a chronic autoimmune disorder which causes neuromuscular transmission of impulses of the voluntary muscles of the body. It is characterized by weakness and fatigue of the muscles of the body. तो ये हो गया definition. So definition होता क्या है, myasthenia gravis वो एक मतलब grave muscle weakness होता है या ये voluntary और striated muscles में weakness दिखाई देगा और ये
होता है, मतलब ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे ये न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस को इफेक्ट करता है. और कौन से जगह में, जहाँ पे वॉलंटरी मसल्स होता है बॉडी में, वहाँ पे ये इफेक्ट करता है. और ये इससे क्या हो सकता है, वीकनेस और फेटिग हो सकता है. जो मसल्स मतलब वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आते हैं, जो मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आते हैं, वहाँ पे वीकनेस और फेटिग दिखाई देगा. सो दिस इज यूजुअली डेफिनेशन ऑफ द मायस्थेनिया ग्रेविस. सो नेक्स्ट इज, तो दूसरा हम लोग चलते हैं कॉजेस. तो कॉजेस जब हम लोग देखा जाए, सो व्हेन वी सी अबाउट दिस कॉजेस, सो नॉर्मली मायस्थेनिया ग्रेविस इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस टू मसल्स. ओके, सो दिस मायस्थेनिया ग्रेविस अकर्स व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस टू द मसल्स. ओके, नर्व इम्पल्सिस टू द मसल्स. सो दिस अकर्स व्हेन देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन, व्हेन देयर इज, व्हेन द नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व एंड मसल इज इंटरप्टेड. ओके, व्हेन द नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व एंड मसल्स आर इंटरप्टेड, दैट इज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओके, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सो व्हाट इज दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट इज द जंक्शन व्हेन नर्व एंड मसल्स कनेक्ट. ओके, व्हेन नर्व एंड मसल्स कनेक्ट, दैट इज यूजुअली द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सो व्हाट इज दैट? Myasthenia gravis, it is caused when there is defect in the neuro, that is, there is defect in the transmission of nerve impulses to the muscles. Okay, when there is defect in the transmission of nerve impulses to the muscles, so this usually what it does is that it occurs when there is, when the normal communication between the nerve cells and the muscle is interrupted. Okay, is interrupted at the neuromuscular junction. So myasthenia gravis, it is usually what happens, it usually affects the transmission of nerve impulses to the muscles, and this occurs when normal communication between the nerve cells and when the normal communication between the nerve cells and muscles are interrupted at the neuromuscular junction. So neuromuscular junction, it is the junction where nerve cells and muscles meet. Okay, where nerve cells and muscles meet. तो कॉजेज जब हम लोग देखे जाएंगे, पहले कॉजेज देखने से पहले आप लोगों को एक बताना चाहती हूँ कि मायस्थेनिया ग्रेविस ये पे क्या होता है, ये इफेक्ट करता है ट्रांसमिशन बिटवीन नर्व सेल्स एंड मसल्स. जहाँ पे ट्रांसमिट होता है नर्व सेल्स और मसल्स, उसको इफेक्ट करता है. तो इफेक्ट कब होता है? जब नर्व सेल्स और मसल्स के बीच में कम्युनिकेशन इंटरप्ट, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ कम्युनिकेशन, जब नर्व सेल्स और मसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरप्ट होता है. कहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जहाँ पे नर्व सेल्स और मसल्स मीट होते हैं, जहाँ पे नर्व सेल्स एंड मसल्स मीट होते हैं. तो ये होता है मायस्थेनिया ग्रेविस में. तो मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है ना नर्व सेल्स और मसल्स का, वो डिफेक्ट होता है. ये डिफेक्ट कब दिखाई देगा? जब वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, नर्व सेल्स और मसल्स में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें डिफेक्ट दिखाई, उसमें प्रॉब्लम दिखाई देगा. ये जहाँ पे दिखाएगा, जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास. तो हम लोग जब कॉजेस देखा जाएगा, तो ये जो कॉज होता है ना, ये मतलब अननोन है. सो दैट इज यूजली कॉज क्या होता है, ये अननोन होता है. या ये मायस्थेनिया ग्रेविस किसी और कारण के वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अगर वहाँ पे कैंसर हो थाइमस ग्लैंड में. ओके, जहाँ पे कैंसर हो थाइमस ग्लैंड में, कैंसर मतलब थाइमस ग्लैंड वो ऑर्गन होता है इम्यून सिस्टम का, वो ऑर्गन होता है इम्यून सिस्टम का. तो इसके वजह से भी मायस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है. या अगर थायरॉयड ग्लैंड में अबनॉर्मलिटीज़ हो, या थायरॉयड ग्लैंड में अबनॉर्मलिटीज़ हो, तब भी ये कैंसर मतलब ये ट्यूमर मतलब सॉरी मायस्थेनिया ग्रेविस होगा बंदे को. और उसके बाद अगर ऑटो इम्यून अटैक कुछ होता है उनके, इसमें अगर ऑटो इम्यून अटैक होगा, जब बॉडी में खुद ही मतलब खुद ही इम्यून सिस्टम कहता है, खुद ही बॉडी को अटैक करने लगता है किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू, किसी को भी फॉरेन बॉडी समझ के अटैक करता है, ये सब हो सकता है. जैसे कि अगर सिस्टमैटिक लूपस एरिथ्रोमैटस होगा, सिस्टमैटिक लूपस एरिथ्रोमैटस वो होता है जहाँ पे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में किसी अंग को मतलब फॉरेन बॉडी समझ के अटैक करने लगता है. सो दैट इज सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमैटस. अगर थायरोटॉक्सिकोसिस होगा, जैसे कि थायरॉयड ग्लैंड अगर ज़्यादा होता है, थायरॉयड हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेट होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है. सो दैट इज इन केस ऑफ, दैट इज ऑटो इम्यून अटैक. सो नेक्स्ट इज इन केस ऑफ, इफ देर इज एनी कोलिनर्जिक क्राइसिस. ओके, इफ देर इज एनी कोलिनर्जिक क्राइसिस वो होता है जहाँ पे मेडिकेशन ज़्यादा लेता है, जैसे ओवर एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स. ओके, अगर एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स ज़्यादा ले लिया होता है, अगर वो बंदे ने ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया होता है, तब क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा असिटाइल कोलिन रिलीज करता है. ज़्यादा से ज़्यादा असिटाइल कोलिन रिलीज करता है कहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में. जहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में. तो दैट इज़
कोलोनर्जिक क्राइसिस में हो सकता है, जैसे कि उन्होंने अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन ज़्यादा लिया, एंटी कोलोनर्जिक एजेंट ज़्यादा लिया है, जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिसके वजह से ये मिसकम्युनिकेशन होगा और मायस्थीनिया ग्रेविस होने का चांसेस है. सो दैट इज़ ये होगा कॉजेस. कॉजेस में क्या होता है, तो कॉजेस में पहले हो गया मतलब वहाँ पे अगर अननोन है, मतलब पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये किस वजह से हो रहा है. और दूसरा कॉजेस जो बोला गया इसका होगा, जैसे कि ट्यूमर ऑफ द थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कुछ अबनॉर्मलिटीज होने से, या कोलोनर्जिक क्राइसिस होने से, या एक और मैंने बोला था अगर वहाँ पे मतलब ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा उसकी वजह से हो सकता है. सो कॉजेस इट इज़ मेनली सीन दैट इट माइट बी अननोन और इट माइट बी ड्यू टू द ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड इट इज़ नथिंग बट ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम. और इफ देर इज एनी थायरॉयड ग्लैंड एबनॉर्मलिटीज, लाइक इफ देर इज हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स और लो हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, दैट टाइम इट कैन ऑकर. और इफ देर इज एनी ऑटो इम्यून attacks, okay, if there is autoimmune attacks such as systemic lupus erythematic where our own immune system attacks our body, so that is our body parts, so that is thinking that it is foreign body. And then thyrotoxicosis when there is excess abnormalities in the thyroid gland, so that is usually about this thing. Or one more cause it might be like cholinergic crisis. So cholinergic crisis it is usually seen that where the person takes excess amount of anticholinergic drugs. This leads to excess production of acetylcholine in the neuromuscular junction, that might lead to this miscommunication and that leads to this myasthenia gravis. So this is usually about this causes. हमने इस वीडियो में डेफिनेशन देखा और कॉजेस देखा, बाकी का हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं.